हेलो स्टूडेंट्स, इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न सिक्स स्टैंडर्ड साइंस लेसन नंबर 3। तो लेसन नंबर 2 में हमने क्या देखा था, लिविंग थिंग्स के बारे में। यहाँ पे हम देखेंगे डाइवर्सिटी इन लिविंग थिंग्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। यहाँ पे जो अलग अलग तरीके के लिविंग थिंग्स हैं अर्थ पे, तो यहाँ पे हम उनके टाइप्स देखेंगे, क्लासिफिकेशन देखेंगे। ओके, यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा हुआ है, कैन यू रिकॉल इन विच स्फीयर्स ऑफ द अर्थ डू लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट। मतलब आपने सेकेंड लेसन में पढ़ा था, अगर आपको याद होगा तो वहाँ पे पहला ही जो लेसन था, पहला ही जो पेज था, उसी में लिखा हुआ था कि कौन कौन से स्फीयर्स में लिविंग थिंग्स रहते हैं। तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है अगर आपको याद होगा। और अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा होगा सेकंड लेसन का, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ से देख लेना। ओके, सो ये आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर, कौन कौन से स्फीयर, कौन कौन से क्षेत्र में अर्थ पे लिविंग थिंग्स रहते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। द जोग्राफिकल कंडीशंस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन द अर्थ आर वेरी डिफरेंट। मतलब अर्थ पे अलग अलग जगह पे अलग अलग कंडीशंस है, मतलब कि अलग डिफरेंट प्लेसेस पे वहाँ का जो एटमॉस्फियर है, कंडीशंस है, वो भी डिफरेंट है। वी फाइंड दैट लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट इन ऑल दीज डाइवर्स कंडीशंस। पर हम देखते हैं कि लिविंग थिंग्स जो हैं वो अलग अलग कंडीशंस में रह ले रहे हैं। जितने भी आप देखेंगे, चाहे पहाड़ी एरिया हो, चाहे जहाँ पे बर्फ पड़ती हो, वहाँ पे लिविंग थिंग्स तो रह ही रहे हैं ना। When we live in a certain place, we adjust to the conditions there. अगर हम जहाँ पे रहने लगते हैं या फिर जो भी लिविंग थिंग्स रहने लगते हैं, बर्ड्स, एनिमल्स, कुछ भी, तो वो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ही वो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। Various types of living things have survived because of their ability to adjust themselves to the conditions in their surroundings. जो भी लिविंग थिंग्स, वेरियस टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं, क्योंकि उनकी एबिलिटी है एडजस्ट करने की, खुद को वो एडजस्ट कर लेते हैं उस एटमॉस्फियर, उस कंडीशन में, जो भी उनकी आसपास जो भी कंडीशन है, वो जिस कंडीशन में रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को ढाल लेते हैं। ठीक है, कैन यू टेल आर द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट यू हैव सीन ऑल अलाइक। तो यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है कि क्या आपने प्लांट्स एनिमल्स को अपने, मतलब कि देखा है इस तरीके से कि वो लोग भी इस तरीके से रहते हैं, और उनमें क्या डिफरेंसेस हैं, वो किस तरीके से रहते हैं, वही चीज़ है। डाइवर्सिटी इन प्लांट्स, अब हम देखते हैं कि प्लांट्स में क्या डाइवर्सिटी है, कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स हैं, वो हम देखते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर फाउंड इन मेनी प्लेसेज अराउंड अस। तो हम अपने चारों तरफ देखते हैं कि अलग अलग तरीके के प्लांट्स होते हैं। सम प्लांट्स लाइक ग्रास आर शॉर्ट वाइल अदर्स आर टॉल एंड हैव अ कैनोपी। इसका मतलब है कि हम कहीं कहीं पे देखे हैं कि ग्रास रहता है, छोटे छोटे घास रहते हैं, जबकि कुछ क्या रहते हैं, बड़े ही टॉल रहते हैं, हैव अ कैनोपी। कैनोपी मतलब क्या, कि मतलब पूरे एकदम से कवर किए होते हैं ना, जैसे छाया, जैसे बनियन का ट्री हुआ, कैसे पूरा इतना कवर करके, मैंगो का ट्री भी इस तरीके से होता है बड़ा, तो इसको क्या बोलते हैं, इस एरिया जो इतना कवर करके रखता है, इसको बोलते हैं कैनोपी। मतलब कि कैनोपी, इस तरीके से कैनोपी वाले टॉल ट्रीज, बड़े बड़े ट्रीज। सम प्लांट्स ग्रो अंडर वाटर, कुछ होते हैं जो अंडर वाटर, वाटर के अंदर होते हैं। जैसे आप कुछ देखेंगे ना, अगर आप अपने गांव में गए होंगे या किधर भी, तो पानी में रहता है जलकुंभी, उसमें पर्पल कलर के फूल भी खिलते हैं, तो वो प्लांट के अंदर ही तो उगते हैं ना। वाइल सम अदर फ्लोट ऑन वाटर, तो यहाँ पे कुछ ऐसे होते हैं कि जो क्या करते हैं, पानी पे तैरते रहते हैं। फ्लोट ऑन वाटर मतलब पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। We find that some plants grow even in desert. कुछ तो ऐसे भी plants होते हैं जो desert में पाए जाते हैं, रेगिस्तान में, आपको पता होगा ना, जो कांटेदार होते हैं वो सब। Moreover, we find that there is a lot of variety in the same type of plant. तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, सेम टाइप का प्लांट रहता है, बट उसमें भी बहुत अलग अलग की वैरायटी होती है, अलग अलग कलर होते हैं। फॉर एग्जांपल, देयर आर डिफरेंट वैरायटीज ऑफ राइस और वीट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोजेज एंड मैंगोज ऑफ डिफरेंट फ्लेवर्स। आपको मैंगोज़ का पता होगा, अलग अलग से हाफूस रहता है, तो कोई लंगड़ा आम रहता है, तो कोई दशहरी आम रहता है, ऐसे ही अलग अलग तरीके के मैंगो है, तो मैंगो बट उसमें कितने वैरायटीज़ हैं। फ्लावर्स में भी आपको पता है कि उसके फ्लेवर भी अलग होते हैं, ठीक है, फ्लेवर भी अलग, उसके टेस्ट भी अलग होता है। और रोज़ेस आपने पिंक रोज़ देखा होगा, वाइट रोज़ देखा होगा, रेड रोज़, येलो रोज़, कितने तरह के रोज़ होते हैं। अगर चावल भी आपने देखा होगा, तो एक तो वो जो लंबा चावल आता है, बासमती का चावल, छोटे छोटे चावल आते हैं, पतले चावल, मोटे चावल। वीट मीन्स गेहूं भी यहाँ पे अलग अलग तरीके के, अलग अलग वैरायटी के होते हैं। तो ये सब क्या है तो एक ही सेम प्लांट है, बट है क्या, उसमें डिफरेंट वैरायटी, डिफरेंट टेस्ट, डिफरेंट फ्लेवर्स, डिफरेंट कलर्स, इस तरीके से। सम प्लांट्स ग्रो इवन विदाउट स्टेम्स
लीव्स और रूट्स, कुछ तो ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो विदाउट स्टेम के होते हैं, मतलब उनका तना ही नहीं होता। ये जो ये क्या है, स्टेम है ना, स्टेम है ये, तो ये बहुत सारे ट्री के होते ही नहीं है, आपने देखा भी होगा। और कोई कुछ तो ऐसे होते हैं जिनके लीव्स ही नहीं होती पत्तियाँ, और कुछ की तो जड़ें ही नहीं होती। दीज आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी प्लांट्स। तो यहाँ पे क्या है, बहुत ही अलग हो जाते हैं ऐसे पौधे, क्योंकि हमें पता है पौधे तो होते हैं जिसमें पत्तियाँ भी होती हैं, रूट्स भी होते हैं और तने भी होते हैं, बट कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो कि नॉर्मल नहीं होते, ऑर्डिनरी नहीं होते, अलग ही होते हैं, उनमें ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। लेट्स स्टडी दिस डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स। देखते हैं क्या डाइवर्सिटी, क्या डिफरेंसेस हैं इन सब प्लांट्स में। आपने ये सारे प्लांट्स देखे होंगे जितने यहाँ पे प्लांट्स दिख रहा है, आई होप ये नहीं देखा होगा। प्लांट्स ये तो आपने देखा ही होगा। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन सनलाइट। प्लांट्स क्या करते हैं, अपना खाना, हम सेकेंड लेसन में देख चुके हैं कि वो अपना फूड कैसे सनलाइट में बनाते हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स। ये आपको याद रखना है कि जो प्लांट्स सनलाइट में फूड बनाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल द हिबिस्कस, हिबिस्कस आपको पता है ना, गुड़हल का फूल जो इस तरीके के होता है, इस तरह के इसमें एक ऐसे निकलता है ऐसे छोटा छोटा, ओके, तो ये होता है हिबिस्कस का फूल, ठीक है, हिबिस्कस, हिबिस्कस प्लांट्स, गुड़हल का फूल। पोमेग्रेनेट, अनार आप खाते हैं, आपको पता है। पेरीविंकल, दिस इज़ पेरीविंकल, एट्सेट्रा। ये सब क्या करते हैं, ये सारे प्लांट्स अपना सनलाइट में खाना बनाते हैं। सम प्लांट्स लाइक फंगसेस, लोरांथस, डॉडर यूज अदर प्लांट्स और फूड एंड आर सेड टू बी हेट्रोट्रॉफिक। जो कुछ ऐसे पौधे हैं जो क्या, जैसे फंगस हुए, ठीक है, लोरांथस हुए, डॉडर हुए, ये सब प्लांट्स क्या करते हैं, अपना फूड अदर प्लांट्स के, अदर प्लांट्स मतलब दूसरे प्लांट से, उन्हें उन्हें अपना जो भोजन है, अपना फूड है, वो दूसरे प्लांट से उन्हें मिलता है, ओके। तो इन्हें क्या बोलते हैं ऐसे प्लांट्स को, हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स लाइक द पिचर प्लांट इवन कंज्यूम इंसेक्ट। ये है पिचर प्लांट, ये क्या करता है, इस पर जैसे ही, ये जो यहाँ पे इसका राउंड दिख रहा है ना, इस पर जैसे ही कोई इंसेक्ट बैठता है ना, इसमें कुछ ऐसा चिपचिपा सा कुछ ऐसा रहता है, कुछ लिक्विड जैसा, कि वो इंसेक्ट को अपने अंदर खींच लेता है और इंसेक्ट इसमें जाके मर जाता है, और यही इनका फूड होता है, यही खा के ये ग्रो करते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवरस, इंसेक्टिवरस, ठीक है। तो इनका इंसेक्ट खाते हैं, इसके लिए इंसेक्टिवरस इनका नाम है। तो आपको ये तीनों पॉइंट याद रखना है कि कौन से प्लांट्स किस तरीके से अपने फूड को पाते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट, अब हम देखते हैं प्लांट का स्ट्रक्चर क्या होता है, जो एक प्लांट होता है उसका स्ट्रक्चर मतलब किस तरीके से बना होता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। प्लांट स्ट्रक्चर कैन जनरली बी डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। तो यहाँ पे टू पार्ट्स में बांटे गए हैं प्लांट्स को, द स्टेम विच ग्रोज अबव द ग्राउंड एंड द रूट विच ग्रोज बिलो द ग्राउंड सरफेस। टू पार्ट मतलब कि एक तो जो प्लांट के, मतलब प्लांट का दो पार्ट किया गया है, एक तो जो ऊपर बढ़ता है जमीन के, और एक जो जमीन के नीचे रूट को, ठीक है, तो इसको टू पार्ट में यहाँ पे बांटा गया है। द रूट स्टेम एंड लीव्स आर द मेन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। हमें पता है कि जड़ और ये स्टेम जो आप देख रहे हैं, और लीव्स आपको जो पता है पत्तियाँ हरी हरी, ये क्या है, मेन पार्ट्स हैं प्लांट्स के, पौधे के ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। फ्रॉम टाइम टू टाइम प्लांट्स बेयर फ्लावर्स एंड फॉर रिप्रोडक्शन। टाइम टू टाइम इस पर फ्लावर्स आते रहते हैं सीजन वाइज, या कुछ कुछ तो प्लांट्स ऐसे होते हैं कि हमेशा ही उस पर आते हैं फ्लावर्स, फ्लावर्स आते हैं तभी रिप्रोडक्शन होता है, फ्लावर नहीं आएगा तो उसमें फ्रूट भी नहीं आएगा। फ्लावर्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इंटू फ्रूट्स, फ्रूट्स हैव सीड्स, सीड्स गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। फ्लावर्स क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म होते हैं फ्रूट्स में, फ्रूट्स देता है सीड मतलब बीज, ओके, फ्लावर्स से ही क्या होता है, फ्रूट्स आते हैं, और फ्रूट से क्या मिलेगा, सीड मिलेगा, और सीड को फिर से ज़मीन में लगाएंगे तो नए प्लांट्स आ जाएंगे फिर से। तो ये प्रोडक्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है द फ्लावर। दिस इज़ द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। हमें पता है फ्लावर्स कितने अच्छे लगते हैं, किसी भी प्लांट में अगर फ्लावर आते हैं वाइट येलो किसी भी तरह का फ्लावर आता है तो कितना सुंदर लगता है, इसलिए बहुत ही अट्रैक्टिव पार्ट होता है। इट इज़ कनेक्टेड टू द स्टेम बाय अ स्टॉक विच मे बी लॉन्ग और शॉर्ट। तो ये कनेक्ट होता है किससे, स्टेम से, बाय अ स्टॉक, ये कनेक्ट होता है स्टेम से, देख रही है यहाँ पे, स्टेम से कनेक्ट होता है बाय अ स्टॉक। स्टॉक किसे बोलते हैं, ये जो डंठल होता है ना, जो डाली छोटी सी, इसको बोलते हैं स्टॉक, स्टॉक है ये, इस स्टॉक से जुड़ी हुई है ये फूल्स, छोटे छोटे फ्लावर्स जुड़े हुए हैं।
विच में भी लॉन्ग और शॉर्ट, छोटे भी हो सकते हैं बड़े भी हो सकते हैं। अ फ्लावर हैज़ अ टिपिकल कलर एंड शेप, कलर हमें पता है अलग अलग प्लांट्स के अलग अलग कलर होते हैं फ्लावर के, उनके उनके जो शेप है, उनकी जो बनावट है, उनका जो अरोमा है मतलब कि जो उनकी स्मेल है वो भी अलग होती है। द फ्लावर इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन, तो ये क्या है इम्पॉर्टेंट मीन्स है रिप्रोडक्शन का। रिप्रोडक्शन मीन्स की रिप्रोडक्शन मीन्स क्या कि प्रोडक्शन करना, ये होगा तभी तो ये प्रोड्यूस होगा, ये जो टोमेटो उग रहा है ये पहले ये फ्लावर आएंगे तभी तो ये प्रोडक्शन होगा फ्लावर का, नहीं तो सॉरी टोमेटो का नहीं तो नहीं होगा। तो मीन्स मीन्स साधन है किसका, प्रोडक्शन का, रिप्रोडक्शन का। अब देखते हैं द लीफ, सेकेंड इसका क्या है लीफ, द लीफ इज़ फ्लैट, फ्लैट होता है ये पूरी तरीके से, इस तरीके से फ्लैट है। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड, और ये पत्तियों के ही थ्रू जब हमें पता है कि क्लोरोफिल इसमें होती है, इसकी तरह से ये अपने जो सनलाइट से खाने पहुंचाती है स्टेम को, मतलब पौधे को खाना पूरी बॉडी को इसके पहुंचता है। पत्तियाँ जो यहाँ पे जो प्लांट है उनकी पत्तियाँ क्या करती हैं, लीव्स क्या करती हैं, उन्हें यहाँ पे खाना मतलब उनका फूड देने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। लीव्स आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, यहाँ पे टू टाइप्स की होती हैं लीव्स, सिंपल एंड कंपाउंड लीव्स। सिंपल मतलब जिसमें सिर्फ एक होती हैं, कंपाउंड मीन्स कि एक एक पत्ती में कई सारे पत्ती होते हैं, जैसे हमने रोज़ के देखा है देखे हैं ठीक है। इस तरीके से नीम के भी आप देखेंगे तो एक एक में कितने सारे रहते हैं। द स्टेम, द हाइट शेप एंड साइज ऑफ अ प्लांट डिपेंड्स अपॉन द स्टेम, तो यहाँ पे क्या होता है कि स्टेम, ये जो आपको ये तना दिख रहा है यही है स्टेम, तो इसमें ये डिपेंड करता है कि कितनी इसकी हाइट है, कितनी बड़ी है साइज़ में, ये जितनी बड़ी यहाँ से अगर यहाँ तक बड़ी रहेगी तो इतना मतलब सभी बड़े होंगे सभी, तो ये क्या है स्टेम ही है इसकी जो कि डिसाइड करती है कि कितना लंबा चौड़ा है प्लांट्स। द स्टेम कैरीज आउट ऑफ फंक्शंस ऑफ प्रोडक्शन कंडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ फूड, तो ये इसका काम क्या है स्टेम का, स्टेम का काम है कि यहाँ पे जो फंक्शन है बाकी सब, यहाँ पे ये जड़ों से अपने खाना लेता है, जो पानी मिलता है इसको सनलाइट से, और यहाँ पे जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके थ्रू ये फूड लेता है, फूड को स्टोरेज करके रखता है। कुछ दिन तक अगर इसे पानी नहीं मिलता फिर भी इसके अंदर फूड को अपने स्टोरेज करके रख सकता है ताकि जी चल सके ओके। और प्रोडक्शन में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा क्योंकि जब यही नहीं बढ़ेगा तो फूल कहाँ से आएंगे, फ्लावर कहाँ से आएंगे और प्रोडक्शन कहाँ से होगा ओके। इट है इन सम प्लांट्स इट हैज़ द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन, इट गिव सपोर्ट टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, तो ये क्या करता है ये इसका जो रिप्रोडक्शन का काम करता है ये गिव सपोर्ट, ये सपोर्ट भी देता है अदर प्लांट मतलब कि अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जो प्लांट्स का अदर पार्ट है इन सबको सपोर्ट कर रहा है ये, इसी से तो सब लगे हुए हैं ना, पत्तियाँ भी इसी से जुड़ी हुई हैं, फ्लावर्स भी इसी से जुड़े हुए हैं, फ्रूट्स भी इसी से जुड़े हुए हैं, तो सब कुछ इसी से जुड़ा हुआ है, इसके रूट्स भी इसी से जुड़े हुए हैं, तो ये स्टेम से ही सब कुछ यहाँ पे कनेक्टेड है। अब देखते हैं थ्री पॉइंट हमने पढ़ लिए जो इसके पार्ट्स हैं, फोर्थ पॉइंट में क्या है, फोर्थ पार्ट इसका है द फ्रूट, फ्रूट्स हैव डिफरेंट शेप्स, हैव डिफरेंट शेप्स, फ्रूट्स कंटेन वन और मोर सीड्स, द पॉड्स ऑफ बीन्स एंड पीज आर एक्चुअली फ्रूट्स, हमें पता है कि अब देखो ये टोमेटो ही इसमें कितने सारे सीड्स होते हैं, तो इसमें सीड्स एक भी हो सकते हैं और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। पॉड्स मीन्स की जो फलियाँ होती हैं, फलियों वाले सब्जियां जैसे कि बीन्स हो गई, पीज़ हो गई, ये सब क्या है ये एक्चुअली में एक फ्रूट है, जो पीज़ मटर होती हैं, जो बीन्स होती हैं, ये सब एक तरीके के फल होते हैं और इसमें कितने सारे दाने होते हैं हमने देखे, कितने सारे सीड्स होते हैं। द रूट, अब रूट के बारे में पढ़ते हैं, इसका लास्ट पार्ट है जो इसकी बॉडी का, द रूट, रूट्स होल्ड द सॉइल फर्मली एंड एंकर द प्लांट, यहाँ पे क्या है कि जो रूट है वो मतलब कि सपोर्ट देता है, पकड़ के रखता है सॉइल को, मतलब मजबूती से पकड़ के रखता है, अगर जड़ ही नहीं सूख जाए तो पूरा प्लांट्स ही सूख जाए ठीक है। तो यहाँ से एंकर मीन्स कि सहारा देता है, सपोर्ट देता है, सॉइल को पकड़े रहता है और इसी से प्लांट भी रहता है। द मेन फंक्शन ऑफ द रूट आर टू ऑब्जर्व एंड ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, तो इसका क्या काम है मेन, जो मिट्टी रहती है मिट्टी में से ये यहाँ से न्यूट्रिएंट्स निकाल के जो वाटर मिलता है इसको यहाँ से फ्रूट्स जो भी प्लांट्स है प्लांट्स का ऊपर तक मतलब जाता है इस न्यूट्रिएंट्स पूरे बॉडी में उसके। द रूट्स ऑफ द कैरेट एंड रेडिश आल्सो स्टोर फूड, जो रूट्स होते हैं कैरेट और रेडिश, मतलब कैरेट मीन्स गाजर होते हैं, रेडिश मीन्स मूली, मूलियाँ जो होती हैं मूली और गाजर, तो ये भी क्या करते हैं फूड स्टोर करके रखती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूट्स, टैप रूट एंड फाइब रूट्स, तो यहाँ पे टू टाइप्स के आपको रूट भी मिलेंगे, जड़ें जो होती हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, टैप रूट में आपको मिल जाएगा हिबिस्कस,
एंड बनियन, बनियन का ट्रीज अगर बनियन है और हिबिस्कस है जो बड़े बड़े प्लांट्स है, आपको इस तरीके की जड़ें दिखेंगी नीचे मोटी मोटी इस तरीके की, और जो आपको ओनियन अनियन है, ग्रास है, इन सब की कैसे पतली पतली छोटी छोटी इस तरीके से जड़ें होती हैं, ओके एकदम इस तरीके से होती हैं, पतली पतली जड़ें होती हैं, और उनको आसानी से उखाड़ भी सकते हैं, बट हिबिस्कस और बनियन को आप आसानी से नहीं उखाड़ सकते क्योंकि वो बहुत मोटे और बड़े होते हैं। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूँ, रेडिश आपको पता है ना, रेडिश और कैरेट किस तरीके से उगते हैं, नीचे होते हैं, वही रूट है यहाँ पे, रेडिश तो यहाँ पे नीचे रहेगी, पत्तियाँ ऊपर रहती हैं हमने देखा है, और ये ज़मीन के अंदर रहती हैं, तो यहाँ पे रूट्स कौन है, यही है कैरेट और मूली भी इसी तरीके से होती है, ऊपर ज़मीन नीचे कैरेट, और मूलियाँ भी, मूली भी जो रेडिश है वो भी ऐसे इस तरीके से नीचे रहती है और उसके पत्ते ऊपर रहते हैं, ठीक है, तो यही रूट है मूली, और एक्चुअली वो ही रूट है। नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, अब हम देखते हैं कि जो प्लांट्स हैं इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी कि अलग अलग टाइप्स में इसे बांटा जाए, अलग अलग क्लासिफिकेशन इसका किया जाए, कितने टाइप्स के हैं, तो देखते हैं कि ये ज़रूरी क्यों है। अप टू नाउ इन्फॉर्मेशन अबाउट काइंड्स लाख्स अबाउट लाख्स ऑफ प्लांट्स हैज़ बीन कलेक्टेड, तो अभी तक हमने देखा कि कम से कम अभी मतलब पुराने ज़माने से लेके आज तक लाखों ऐसे प्लांट्स हैं जो कि जिनका इन्फॉर्मेशन हमें मिल चुका है, मतलब हमें पता है कि हाँ उनके नाम दे चुके हैं साइंटिस्ट, उनके नाम हम जानते हैं, और इस तरीके से कलेक्ट किए गए हैं लाखों प्लांट्स। वाइल स्टडिंग द डाइवर्सिटी इन प्लांट्स दे आर क्लासीफाइड फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस ऑफ द बेसिस ऑफ द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेज इन देयर स्ट्रक्चर, देयर ऑर्गन्स एंड देयर अदर करेक्टरिस्टिक्स, तो जब हम स्टडी करते हैं अलग अलग प्लांट्स के तो यहाँ पे ज़रूरी होता है उन्हें क्लासीफाई करना कि किस कौन सी कैटेगरी में आ रहा है ये प्लांट्स, तो इससे क्या हो जाता है कन्वीनियंस, मतलब सुविधा हो जाती है कि किस उनकी सिमिलरिटीज़ के, उनके डिफरेंसेस, उनके स्ट्रक्चर, उनके ऑर्गन्स, इन सब के आधार पर मतलब उनमें क्या समानताएँ हैं किसी दो प्लांट में, जैसे कि कोई ऐसा प्लांट मिला जो कि मैंगो के जैसा है तो यहाँ पे क्लासीफाई अगर कर दिया कि मैंगो का क्या है, कैनपी होता है मतलब कि जो स्ट्रांग होता है, और ट्री होता है वो इस तरीके का, तो हम समझ जाते हैं ना कि ये ट्री है, कोई प्लांट देखा तो समझ जाते हैं ये ट्री है, अगर उसकी स्टडी करना है तो ट्री के आधार पे ही करें, ट्री के बेसिस पे ही उसकी रिसर्च, उसकी स्टडी की जाएगी, तो ये इजी हो जाता है जो लोग स्टडी करते हैं इन सब के बारे में, ओके। द साइंटिस्ट कार्लस लिनेस मेड द फर्स्ट साइंटिस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, तो ये जो साइंटिस्ट कैरोलस लिनेस हैं इन्होंने ही पहला साइंटिफिक मेथड के थ्रू क्लासिफिकेशन किया, टाइप्स बताए प्लांट्स के, इनिशियली इट वॉज हिज मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन दैट वॉज यूज बाई ऑल, और जो इन्होंने दिया कैरोलस लिनेस ने जो दिया लिनेस ने तो उसी जो उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया जो टाइप्स बताया उसी के आधार पे उसी के बेसिस पे आज भी वही रिसर्च अगर रिसर्च या फिर कुछ स्टडी की जाती है तो ये जो उन्होंने क्लासिफिकेशन बताया उसी के बेसिस पे उसी के आधार पे किया जाता है आज भी। तो यहाँ पे आपके लिए कुछ एक्टिविटीज़ दी गई है किस तरीके से होता है, मतलब किस तरीके से क्लासिफिकेशन इन्होंने बताया था उसी का है यहाँ पे, पहले नेम का, प्लांट का नेम, प्लांट्स के नेम, फिर ये कहाँ पे होते हैं, कहाँ पे उगते हैं, किस जगह पे उगते हैं, और मतलब कि डेजर्ट में उगते हैं या पानी में उगते हैं या ज़मीन पे उगते हैं, नेचर ऑफ स्टेम, किस तरीके का कलर उसका, उसके बार्क, उसका हार्ड है या सॉफ्ट है, हाइट बड़ी है मीडियम है छोटी है कैसी है, ब्रांचेज नेचर कैसा है, मतलब नंबर कितना है, ज़्यादा है या कम है, या बहुत ज़्यादा है या बहुत कम या है ही नहीं, कलर्स कैसी हैं पत्तियों की, शेप कैसा है एज की तरह, फ्लावर्स के कलर्स, उनकी फ्रेग्रेंस, सुगंध, शेप उनका किस तरीके का है, नेचर ऑफ़ द फ्रूट, तो इस तरीके से क्लासीफाई किया जाता है, यूजेस किस चीज़ में यूज़ आता है ये पार्ट, ये जो प्लांट है इसके पार्ट्स किस चीज़ में यूज़ होता है, अगर सपोज़ कि कुछ ये कह सकते हैं जैसे कि कोई तुलसी हुई तो तुलसी का यहाँ पे हम अगर तुलसी को क्लासीफाई करते हैं, या फिर देखो यहाँ पे रोज़ का दिया है तो रोज़ का आप यहाँ पे बता सकते हैं यूज़ क्यों किया जाता है, यहाँ पे किस तरीके का है, नेचर ऑफ़ द फ्रूट, कलर, शेप, हार्डनेस, इसका फ्रूट आपने देखा है क्या, वो किस तरीके का होता है, फ्लावर किस तरीके का होता है, उसकी पत्तियाँ कैसी होती हैं रोज़ की, ब्रांचेस किस तरीके के होते हैं, हाइट कितनी हो सकती है इसकी, कितनी ज़्यादा होती है, कितनी कम होती है, कलर इसका ये कहाँ पे पाया जाता है, पानी में या ऊपर नीचे कहाँ पे, मतलब पानी में या फिर ज़मीन पे कहाँ पे, ये सारी चीज़ें इस तरीके से क्लासिफिकेशन टाइप्स देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, we can easily notice the differences in the shape and height of the plants in our surroundings, it is easy to classify the plants on the basis of this observation, हम यहाँ पे easily हम notice करते हैं अलग अलग तरीके differences in the shape
अलग अलग शेप के, अलग अलग आकार के, हाइट में अलग प्लांट्स, मतलब अपने चारों तरफ हम अलग अलग तरीके के देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोकोनट किस तरीके का पेड़ है, ये जो बनियन है वो किस तरीके का है, यहाँ पे बनाना का है वो किस तरीके का, ये फ्लावर है किस तरीके का है। तो अलग अलग शेप है, अलग अलग उसके हम कह सकते हैं उसकी ऊँचाई, लंबाई, चौड़ाई, वो सब कितनी अलग है। तो ये क्या है, डाइवर्सिटी इन प्लांट्स, इसमें भी कितने डिफ्रेंसेज हैं, कितने डिफ्रेंसेज है सब प्लांट्स में। What are the similarities between a mango, a banyan and a tamarind trees? तो ये क्या, इमली, tamarind means होती है इमली जो हमें खट्टी खट्टी लगती है वो, mango आपको पता है, banyan tree means होता है जो बरगद का पेड़ होता है, इसमें क्या differences है, ओके ये बताना है। तो ये क्या है, ये सब के सब trees category में आते हैं, इनका types क्या है, trees category में आती हैं, trees हैं सब। सम प्लांट्स ग्रो टॉल, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं बहुत बड़े उगते हैं, देयर स्टेम, उनके स्टेम यही है, और ट्रंक इज़ हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, इनके जो स्टेम है और जो इनके ट्रंक है बहुत ही ज़्यादा, आपको बता दूं कि स्टेम और ट्रंक दोनों एक ही होता है, आप इसको चाहे स्टेम बोलो, इस चीज़ को जो आप यहाँ पे देख रहे हो इसकी जो तने हैं इसको आप स्टेम बोलो या फिर ट्रंक बोलो, दोनों एक ही चीज़ हैं। हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, बहुत ही हार्ड और मजबूत और स्ट्रॉन्ग होता है, क्या आप इसके हाथ से गिरा सकते हैं, नहीं ना, उसको गिराने में कितना मेहनत लगेगी, टाइम लगेगा। दे हैव ब्रांचेज एट सम हाइट अबव द ग्राउंड, इनकी जो हाइट होती है वो ज़मीन से काफ़ी ऊँची होती है। दे बेयर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फॉर मेनी ईयर्स, ये कई सालों तक ये प्लांट्स जो ये ट्रीज़ हैं ये भी बहुत साल तक जीते हैं और ये बहुत साल तक फ्लावर भी देते हैं, फ्रूट्स भी देते हैं हमें। सच प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज़, और इस तरीके के जो ट्रीज़ होते हैं ना, बड़े मोटे और बहुत ज़्यादा ये कैनपी टाइप, तो ये क्या होते हैं, बहुत टाइम तक जीते हैं, मतलब कि बहुत टाइम तक जिंदा रहते हैं ये ट्रीज़, ओके तो इन्हीं को क्या बोलते हैं, ट्रीज़। ट्रीज़ आर टॉल, बिग एंड पेरेनियल, दैट इज़ दे लीव फॉर मेनी ईयर, जो मैंने आपको बताया कि बहुत साल तक जीते हैं, दीज आर टॉल बिग एंड पेरेनियल, पेरेनियल मीन्स कि बहुत साल तक जीते हैं, ठीक है, बहुत साल तक जिंदा रह सकते हैं, इतने जल्दी ख़राब नहीं होते, टूटते नहीं, गिरते नहीं। सेकेंड पॉइंट है, अच्छा यहाँ पे आपको यहाँ पे क्वेश्चन किया, व्हाट आर द सिमिलरिटीज़ बिटवीन द हिबिस्कस, ओलियंडर एंड लैंटाना प्लांट्स, ये सब क्या है, आपको ये बता दूँ कि ये सब फ्लावर के प्लांट्स हैं। श्रब्स, ये किसमें, इस कैटेगरी में आते हैं, ये सब इस श्रब्स में आते हैं। सम प्लांट्स ग्रो क्लोज टू द ग्राउंड, कुछ होते हैं ऐसे प्लांट्स जो ज़मीन के काफ़ी नज़दीक ही रहते हैं, ज़्यादा बहुत ऊँचे नहीं होते। दे गिव आउट ब्रांचेज वेरी क्लोज टू द ग्राउंड, इनके जो ब्रांचेज होते हैं देखिए आप कितने क्लोज हैं, ये जो ये सब छोटे छोटे ब्रांचेज ही हैं ना, कितने क्लोज हैं ज़मीन के, ग्राउंड के। दे आर शॉर्टर एंड स्मॉलर दैन ट्रीज़, ये क्या होते हैं, जो हमने ऊपर पढ़ा भी ट्रीज़, उससे शॉर्टर होते हैं, स्मॉलर होते हैं, छोटे होते हैं दैन ट्रीज़, बट दे हैव अ थिक एंड हार्ड स्टेम, फिर भी इनका जो स्टेम है फिर भी काफ़ी होता है, मतलब ट्रीज़ के कंपेरिजन में तो कम है लेकिन फिर भी होता है, आप उसे आसानी से तोड़ नहीं सकते। द ओलियंडर, हिबिस्कस, लैंटाना, कोरेंटी एंड रोज आर श्रब्स दैट मे ग्रो अप टू 2 to 3 meters, तो ये टू, दो से तीन मीटर तक, दो से तीन मीटर तक ये लंबे होते हैं, और ये सारी जो चीज़ें होती हैं लैंटाना, कोरेंटी, ये सब हैं इस श्रब्स कैटेगरी में आती हैं। वॉट आर द सिमिलैरिटीज़ बिटवीन द फेनुग्रीक एंड पेरीविंकल, अच्छा पेरीविंकल क्या है, अभी आपने जो वहाँ पे आपके इधर छोटे छोटे फूल होते हैं ना जो हमेशा खिलते हैं, कुछ भी कोई भी सीज़न वो खिलते रहते हैं, वो पिंक कलर और वाइट कलर में होते हैं जो ऊपर अभी देखा था, तो ये फेनुग्रीक मीन्स क्या होता है, मेथी, जो हम मेथी खाते हैं ना वो, और पेरीविंकल वो फ्लावर होता है। तो हर्ब्स, ये किस में आते हैं, हर्ब्स में, हर्ब्स ग्रो 1 to 1.5 meters टॉल, ये जो हर्ब्स हैं कितना बढ़ते हैं, ये 1 meter to 1.5 meters तक ये बढ़ते हैं। The stems of herbs are green and quite flexible as compared to those of trees and bushes. तो यहाँ पे क्या है, ये जो इनके जो stems होते हैं ये मतलब थोड़ा flexible होते हैं, आप उसे आसानी से तोड़ सकते हैं, compared to those trees of trees and bushes, जो हमने अभी देखा था यहाँ पे shrubs के पौधे जो देखा और ऊपर जो trees देखा उनके comparison में ये बहुत ही soft होते हैं, बहुत ही फ्लैक्सीबल होते हैं, ओके। हर्ब्स में लीव फॉर अ फ्यू मंथ्स और अप टू 2 years, ये कितना जी सकते हैं, कितने ज़्यादा रहते हैं ये मतलब हर्ब्स मीन्स कह सकते हैं ना मेडिसिन, औषधि, मतलब जो खाने के लिए हमें फ़ायदा दे या कुछ किसी चीज़ में फ़ायदेमंद हो हमारी बॉडी के लिए, हमारी सेहत के लिए, या हम हेल्थ से रिलेटेड कुछ चीज़ हो, वो हर्ब्स की कैटेगरी में आती है, और ये कुछ महीने से लेके 2 साल तक जिंदा रहती हैं। According to the size and height of their stems, plants can be classified into 3 types, tree,
ट्रीज़ श्रब्स एंड हर्ब्स, तो यहाँ पे साइज़ हाइट और स्टेम्स प्लांट्स, ये मतलब कि इस जो जो हमें देखा साइज़ हाइट्स स्टेम्स, इन इन सब के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे इनका टाइप्स क्लासिफाइड यहाँ पे डिटरमाइन किया जाता है, निश्चित किया जाता है। और ये थ्री टाइप्स के होते हैं, ट्रीज श्रब्स एंड हर्ब्स, जो अभी मैंने बताया आपको। हैव यू सीन वाइन्स लाइक द पम्पकिन, द रेल रोड क्रीपर, कवाली, वाटरमेलन और द ग्रेप वाइन? हाउ डू दे ग्रो? आपने ये सारी चीज़ें देखी हैं, वो किस तरीके से उगती हैं? तो आपने कुछ ना कुछ तो इसमें से ज़रूर देखा होगा, पम्पकिन हो या फिर यहाँ पे कवाली हो, वाटरमेलन जो आप खाते हैं, या फिर जो अंगूर होता है, वो ग्रेप्स, तो कुछ ना कुछ के तो पौधे आपने देखे होंगे ज़रूर। तो अब देखते हैं उसके बारे में क्या है। वाइन्स, सम वाइन्स नीड्स वर्टिकल सपोर्ट फॉर ग्रोइंग। वर्टिकल सपोर्ट मीन्स क्या? इस तरीके से सपोर्ट की ज़रूरत होती है उन्हें, ठीक है, नीचे वो पौधे लगे रहेंगे, फिर इस पे आराम से वो चढ़ते हैं। वाइल सम अदर्स स्प्रेड ऑन द ग्राउंड, और कुछ क्या होते हैं, ग्राउंड पे ही इस तरीके से स्प्रेड होते रहते हैं। जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं, वाटरमेलन है, ये कद्दू है, ये और या फिर जो लौकी होती है ना, वो भी इसी तरीके से, ये लौकी तो ऊपर भी चढ़ सकती है ऐसे, मतलब कि जैसे छत वत पे चढ़ जाती है, या फिर किसी की झोपड़ी हट रहती है ना घर वर, उस पर भी चढ़ जाती है, और नीचे भी ग्राउंड पर भी वो अच्छे से ग्रो कर सकती है ये सब। क्लाइंबर्स लाइक द मनी प्लांट, आपके सबके घर में आई होप कि मनी प्लांट होगा, नहीं होगा तो आपने देखा ज़रूर होगा। हैव एरियल रूट्स, तो इनके रूट्स कैसे होते हैं? एरियल रूट्स होते हैं, मतलब कि एरियल रूट्स मतलब कि कह सकते हैं मतलब ही सॉफ्ट होते हैं और आराम से मतलब इस तरीके से चढ़ते हैं, क्लाइंबर्स होते हैं वो। हैव यू सीन द कुकुम्बर टेंड्रिल्स दैट लुक लाइक अ स्प्रिंग? क्या आपने वो जो कुकुम्बर होता है उसका टेंड्रिल्स देखा है? टेंड्रिल्स मतलब किस तरीके स्प्रिंग की तरह होता है, स्प्रिंग ऐसे ही होता है ना, ऐसे टेढ़े मेढ़े, इसी तरीके से कुकुम्बर भी चढ़ता है क्लाइम से, क्लाइम ट्रीज, क्लाइंबर्स है ना ये ट्रीज, क्लाइंबर्स हैं, ट्रीज नहीं है, ओके, ट्रीज नहीं है, क्लाइंबर्स हैं, इनको क्लाइंबर्स ही बोला जाएगा, ट्रीज तो हमने जो देखा वो है। ऑफ वॉट यूज़ कुड दे बी? टच द स्टेम ऑफ एनी वाइन्स, व्हाट डू यू फील? आपने कभी टच किया है इस तरीके के प्लांट को, कैसा लगता है? कैसा लगता है मतलब एकदम सॉफ्ट होते हैं उनमें, बिल्कुल भी वो बिल्कुल भी हार्श नहीं होता, कठोर नहीं होता। द स्टेम ऑफ अ क्रीपर इज़ वेरी फ्लेक्सिबल, सॉफ्ट एंड ग्रीन, कैसे होते हैं? ग्रीन एकदम होते हैं, यहाँ पे काले नहीं होते जैसे बाकी ट्रीज़ के, और हमने देखा श्रब्स के कैसे ब्लैक रहते हैं, या फिर चॉकलेटी मतलब कत्थई कलर के रहेंगे, बट ये कैसे रहते हैं, एकदम ग्रीन ही रहते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन ही रहते हैं। इट ग्रोज रैपिडली विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट, ये जब इनको हेल्प मिल जाते हैं मतलब सपोर्ट मिल जाता है ना इन्हें, तो बहुत ही तेज़ी से, देखिए मनी प्लांट है तो ये बहुत ही तेज़ी से बढ़ते हैं, करेला हुआ, ये हुआ, टिंडे हुआ, और यहाँ पे देखिए जो ग्रेप्स है, ये ग्रेप्स है, तो ये भी किस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे इसी तरीके का होता है, इन्हें सपोर्ट की ज़रूरत होती है। वाटरमेलन नीचे दिख रहा है, कद्दू दिख रहा है। फॉर हाउ मेनी ईयर्स डू क्रॉप्स लाइक बाजरा, वीट, कॉर्न, रेडिश, मारीगोल्ड लीव? तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो क्रॉप्स है, जो फसलें खेत में उगाई जाती है, जैसे बजरी हुई जो, और गेहूं हुआ, जो पॉपकॉर्न खाते हैं ना वो भी खेत में उगाई जाती है, फार्मिंग होती है। रेडिश हुई, जो मूली हुई, मारीगोल्ड, ये सब कितने टाइम तक रहते हैं, कितने टाइम तक जीते हैं, ठीक है। सो इनका लाइफ साइकिल क्या है? द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स लाइक ज्वार, सनफ्लावर इज़ कंप्लीटेड इन वन ईयर, एक साल में इनकी जो लाइफ होती है वो हो जाती है। आपने बोया, उसको सिंचाई विचाई की, उसको वाटरिंग किया, उसके बाद क्या करते हैं, उसको एक साल तक, वो एक साल के अंदर ही वो काटने लायक हो जाता है, फिर उसको काट वाट के आराम से खाते हैं, ठीक है। दीज प्लांट्स आर कॉल्ड एनुअल्स, इन्हें क्या बोलते हैं? एनुअल्स, क्योंकि ये एक साल में हो जाते हैं तो एनुअल्स। द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स लाइक द कैरेट, बीट रूट इज़ 2 ईयर्स, बीट रूट आपको पता है ना वो बीट, तो इनका लाइफ साइकिल, इन ये जो प्लांट्स हैं गाजर और बीट रूट्स, ये 2 साल तक हो सकते हैं। दे आर कॉल्ड बाइनियल्स, तो बाइनियल्स मीन्स कि ये क्या 2 साल तक होते हैं ना, इसके लिए बाइनियल्स, एक साल तक जो होते हैं वो एनुअल्स। श्रब्स लाइक द हिबिस्कस एंड ओलियंडर एंड ट्रीज लाइक मैंगो एंड गुलमोहर लीव फॉर सेवरल ईयर्स एंड बेयर फ्लावर्स एंड फ्रूट, दे आर कॉल्ड पेरेनियल्स, जो यहाँ पे आपने देखा जो श्रब्स हैं और जो अलग अलग यहाँ पे श्रब्स मीन्स हमें पता है ना, श्रब्स हमने पढ़ा वो हिबिस्कस, ओलियंडर, जो ग्राउंड से थोड़ा 1-2 मीटर तक रहते हैं, 2 मीटर तक रहते हैं, 2-3 मीटर तक, 2-3 मीटर तक बस वही प्लांट्स होते हैं श्रब्स। और यहाँ पे जो बड़े बड़े ट्रीज़ हैं, मैंगो, गुलमोहर होता है ना, जो रेड रेड फ्लावर रहता है, पूरा पूरा फ्लावर ही होता है, उस पर पूरे फूल ही फूल रहते हैं,
और अलग अलग से जो ट्रीज़ हैं, बड़े बड़े ट्रीज़ फ्लावर्स, तो ये क्या है जो फ्लावर्स भी देते हैं और फ्रूट भी देते हैं उस तरीके जो ट्रीज़ हैं वो, उनको क्या कहा जाता है, पेरेनियल्स। तो ये सब आपको याद रखना है। अकॉर्डिंग टू द पीरियड ऑफ देयर लाइफ साइकिल प्लांट्स आर क्लासीफाइड एज एनुअल्स, बाइनियल्स, पेरेनियल्स। तो उनके लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग इन्हें क्लासीफाइड किया है 3 कैटेगरी में, एनुअल्स, बाइनियल्स एंड पेरेनियल्स। जो बहुत सालों तक जीते हैं उन्हें पेरेनियल्स, जो एक साल तक रहते हैं उन्हें एनुअल्स, और जो दो सालों तक रहते हैं उन्हें बाइनियल्स। आई होप कि आपको समझा होगा। अब आज हम यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके आगे से, ठीक है? तो यहाँ से हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे काफ़ी है, अभी 2-3 पेज है, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आप ज़रूर देखना, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ से देख लेना। इसी में मैं लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ से देख लेना। जो भी डाउट हो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिए। स्टार्टिंग में जो मैंने आपको क्वेश्चन किया है, आप ज़रूर उसे कमेंट सेक्शन में बताइए।